होली उत्सव मनाने के पीछे मूल कारण है गाय माता, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था, अगर आप लोगों ने हिरण्यकश्यप की कथा को पुराणों में ठीक से पढ़ा हो तो हिरण्यकश्यप का जैसी शासन आया तो हमारे पुराणों में स्पष्ट शब्दों में वर्णित है कि उसने पहला आदेश दिया गायों को खत्म करो। हिरण्यकश्यप का प्रथम आदेश हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये था, कुर्सी पर बैठा जैसे योगी जी की कुर्सी पर बैठे बैठने की क्या आदेश दिया था कि अवैध कतल खाने बंद करो, फर्स्ट आदेश यही था योगी जी का। वैसे ही हिरण्यकश्यप जब बैठा राजगद्दी पर उसका पहला आदेश था कि सब गायों को खत्म करो। क्यों खत्म करो? क्योंकि गाय रहेगी तो धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा तो हम राक्षसों का राज चलेगा नहीं, इसलिए गाय माताओं को खत्म करो। शुरू हो गया काम। गाय माता जब दुखी होती है तो सबसे अधिक दुखी धरती होती है, सर्वाधिक दुख पृथ्वी माता को होता है। इसलिए जब गाय माताओं पर संकट आया तो धरती माता ने गाय माता का रूप बनाया और भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा चिंता मत कर देवी, उस राक्षस के निवारण का उपाय उसी के घर में पैदा करूंगा, बाहर से नहीं। उस राक्षस की मौत का कारण उसकी औलाद ही बनेगी, तनाव मत ले। और फिर प्रहलाद जी पैदा हुए, प्रहलाद जी पैदा हुए, इधर धर्म की संगति शुरू हुई, उधर अधर्म की संगति शुरू हुई। होली ने अधर्म का साथ दिया, जल गई रात को, रात को जलाई गई, जलाई वो खांडे किस किसने पकड़े। होली ने साथ दिया भाई का, जल गई। और गौ माताओं को सुखी करने के लिए भगवान नरसिंह हम्ब से प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाने के लिए नहीं। सारी दुनिया में यही गलत ढिंढोरा पीटा जाता है कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए। अरे नहीं, प्रहलाद को तो भगवान ने भेजा कारण बनने के लिए, और गाय माता को बचाने के लिए भगवान नरसिंह खम्ब फाड़ के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का वध हुआ और गौ माताएं सुखी हुई, गौ माताएं सुखी हुई तो धरती सुखी हुई, धरती सुखी हुई तो देवता सुखी हुए। और सबसे पहले इस विश्व में ये फाग खेलने का काम देवताओं ने किया था, इसलिए हम आज तक करते आए हैं।